उसके थोड़ी सी जानकारी दें, क्या कुछ है वो पहले आते हैं जन्मदिन पर। तो पहले तो आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे सारे मीडिया के भाई और ऑल माय फ्रेंड्स आर हियर राइट नाउ। और बर्थडे का तो बस ये एक बहाना था, दिस इज़ एक्चुअली अ गेट टुगेदर ऑफ ऑल आर फ्रेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री। बेसिकली द प्लान वॉज टू अनाउंस द सॉन्ग। पिछले गाने को आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया शहर को और काफ़ी अच्छा उसको प्यार मिला जो हमने जी म्यूज़िक कंपनी से रिलीज़ किया था। उसके बाद आई वॉज थिंकिंग के नेक्स्ट गाना क्या बनाया जाए, तभी मेरी मुलाकात हुई शिवानी से। शी इज़ इंस्पायरिंग एक्टर, शी जस्ट मूव टू मुंबई फॉर फ्यू मंथ्स अगो। और हम लोगों ने जैसे एक डिस्कशन किया कि कैसे एक आज भी एक छोटे शहर की लड़कियों को स्ट्रगल करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि दे वॉन्ट टू बी एन आर्टिस्ट और एन एक्टर। सो दिस इज़ हाउ वी मेट एंड जीले का हमने शुरुआत किया। जिले इज़ अ सिंगल शहर के तरी, बिकॉज व्हाट आई थिंक इज़ कि अभी एल्बम का इट्स नॉट अ करेक्ट टाइम टू लॉन्च अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स टुगेदर, इसलिए मैं सिंगल गाने करता हूँ। जिले का मेन थीम ये है कि इट इज़ अ सॉन्ग फॉर एवरी आर्टिस्ट आई वुड से, जिनको लाइफ में कुछ बनना है। आई कॉल इट जिले द एंथम ऑफ ड्रीम्स, एक एंथम है वो ड्रीम्स के ऊपर। और मैंने इस सॉन्ग का म्यूज़िक दिया है, हमारी कंपनी ने, मैं और आसिफ भाई, हमारी छोटी सी कंपनी है सिफर प्रोडक्शन, हमने उसको प्रोड्यूस किया है। साथ ही में डायरेक्टर जो हमारे हैं दीपांशु सैनी, ही इज़ ऑल्सो टर्निंग प्रोड्यूसर विद दिस एल्बम दीपांशु सैनी फिल्म्स, एंड शिवानी इज़ एन एक्टर इन दैट सॉन्ग। और इसको तनवीर गाजी, जिन्होंने बड़े बड़े फिल्म्स में लिरिक्स लिखे हैं लाइक पिंक, अक्टूबर, फ्लैट नंबर 9211 और बहुत सारी, उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं। और इसको गा रही है भूमि त्रिवेदी जो कि बहुत ही फेमस सिंगर है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उनको, तो आई एम वेरी ग्लैड टू बी एसोसिएटेड विद भूमि एंड हर टीम। शिवानी आप क्या कहना चाहोगे? मेरी तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अशर, बस मैं भी, और गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस एल्बम को लेके, क्योंकि ये एल्बम जो है वो बहुत यूनिक है, शायद अभी किसी ने इमेजिन भी किया होगा कि ये कैसा एल्बम है। इसमें थीम्स जो हैं शायद वो बहुत ही ज़्यादा चेंज है और सबको इतना पसंद आने वाला है ये एल्बम, बिल्कुल एकदम यूनिक है। नहीं एक्चुअली ये मेरे लिए खुद सरप्राइज़ है, मुझे भी कुछ नहीं मालूम था, ये आज मुझे पता चला है कि मेरे एल्बम का नाम जिले है, मुझे भी नहीं मालूम था। और जिले सुन के ही मुझे लग रहा है कि हाँ मैं जीने वाली हूँ फाइनली आगे। भूमि की अगर बात करें तो किस प्रकार का गाना है, कितना आपको कितना प्रभावित किया वो गाना और कितना दिल के करीब है और कितना आशाएं अपेक्षाएं हैं आपको इस गाने से? ये गाना एकदम हार्ट टचिंग है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी रियल स्टोरी पर हमने उस गाने को बेस किया है। और जो भूमि हैं वो, उनकी वॉइस मेरे गाने को एकदम बहुत ज़्यादा हार्ट लेके जाने वाली है आगे। बहुत हार्ट लेके जाने, हाँ बहुत हार्ट। और उनका और मेरा, उनने जो गाना, उनकी वॉइस पे जो आने वाला है और जो मेरी स्टोरी है वो एकदम कनेक्ट होने वाली है बहुत अच्छे से। तो टीम की तरफ से कोई आपको प्रिकॉशन लेने के लिए कहा गया था कि वजन कम करो या इस तरीके का? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ सबसे पहले तो बर्थडे तो अशर भाई को मुबारकबाद देता हूँ इस शायरी के साथ कि हमेशा तुम पे करम पाक बेनियाज करे, कि हर खुशी से खुदा तुमको सरफराज करे, और बहारें आप पे यूं ही हयात होती रहें, खुदा आपकी उम्र और भी दराज करे। क्या बात, शुक्रिया। ये मेरी तरफ से मुबारकबाद है, दुआ भी है। और जैसे आप इस गाने के बारे में पूछ रहे थे तो मैं बताता चलूं कि पहले ऐसा होता था कि एल्बम आते थे, 6 गाने आते थे, लेकिन वो कैसेट तक सीमित होते थे या फिर बाद में उसका वीडियो बनने लगा। लेकिन अभी वो दौर चेंज हो गया, अभी सिंगल का दौर आ गया है। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस अगर है गाने पे तो गाना दिखता था क्योंकि वो मूवी पे होता था, लेकिन अभी सिंगल पे ये चीज़ हो गई है न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी चीज़ें कि क्रिएटिव टीम अगर कोई अच्छा काम करती तो वो दिखता है। तो अभी हम लोगों ने इतना क्रिएटिव काम किया है इस पर कि सच मायने पे जो एक्टर हैं उनसे हमने ये बात छुपा के रखी है कि क्या है ये ड्रीम एंथम है एक्चुअली, कि हर एक इंसान अपने सपने को देखता कैसे, जीता कैसे, तो इसमें सपने को जीना बताया और उसका सक्सेस बताया। किसी पर्टिकुलर यंगस्टर या किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को
देखिए सपने तो हर एक एज के लोग देखते हैं, लेकिन इसमें यूथ ज़्यादा कनेक्ट होगा क्योंकि जैसे मुंबई को माया नगरी बोला जाता है, यहाँ लोग बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं लेकिन उनके सपने टूट जाते हैं, तो थोड़ा स्ट्रगल भी बताया गया है और उसमें सपने को जीना बताया गया, पॉजिटिविटी बहुत है और उसी हिसाब से हम लोगों ने इसमें लोकेशन फाइनल की है। राइटर हम लोगों ने जो लिया है वो तनवीर गाजी, जैसे अभी अशर भाई ने बताया आपको, तो बड़ा राइटर हम लोगों ने लिया है उनकी, वो बहुत पॉजिटिव एक कविता है जो वुमेंस के लिए लिखी गई थी। पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन साहब ने इसे आवाज़ दी है, तू खुद की खोज में निकल, तो हम लोग वहाँ से इंस्पायर हुए थे कि तू खुद की खोज में निकल, तो इसका हमने टाइटल दिया जी ले, जिंदगी को जीना कैसे। वेल फिलहाल तो झीले हैं, हम लोग इसको भूमि को एक्चुअली हमने आज ही इस गाने के लिए साइन किया है एंड वी विल गोइंग टू शूट दिस सॉन्ग इन विद इन 10 days नाउ, और इस गाने की शूट हम अगले महीने करेंगे और इंशाल्लाह ईद रिलीज़ सलमान भाई आ रहे, तो सोचा इस बार अशर भाई भी आ जाते हैं साथ में, तो वाइस एंड वर्सा उसके आसपास के डेज़ में विल प्लानिंग टू रिलीज़ द सॉन्ग, क्योंकि एक रमज़ान का दौर है, उसमें यह है कि आप थोड़ा इबादत में भी मशगूल होता है बहुत ज़्यादा, तो उसी पीरियड में आई थॉट कि चलो मैं एडिटिंग टेबल पर बैठ के अपने रमज़ान गुजार लूँ, तो वो भी एक अच्छा एक रहेगा, तो दिस होल मंथ ऑफ मे विल गोइंग टू बी इन पोस्ट प्रोडक्शन एंड इंशाल्लाह जून में फिर विल रिलीज़ द सॉन्ग। शिवानी चलते चलते कुछ कहना चाहोगे अपने दर्शकों से, जब एल्बम आपका आए क्यों देखे दर्शक और क्यों पार्ट बने इस एल्बम? ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो जीले उससे समझ में आ रहा है कि सब लोग जीने वाले हैं और बहुत पॉजिटिविटी है इस गाने पे, बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जीले से ही समझ में आ रहा है, तो ये जो टीनेजर्स हैं उनके लिए एक मैसेज है कि जीले, वो जब गाना रिलीज होगा तभी सबको समझ में आने वाला है। जी कौन आप? फातिमा आपको मिस कर रहे हैं, हमें मिस कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फातिमा जी एंड कीप योर ब्लेसिंग्स एंड योर सपोर्ट विद अस एंड वी आर ऑलरेडी ट्राइंग के जो एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो दौर चला है और आज नो डाउट ऑल द फीमेल्स आर वन स्टेप अहेड ऑफ ऑल द मेंस, सो इसी मोटिव को लेके वी आर ट्राइंग टू मेक जीले एंड हर उस इंसान के दिल में ये ऊर्जा जगाने के लिए मैं गाना बना रहा हूँ कि दे शुड इन्जॉय, इट्स अ ब्यूटिफुल स्मॉल यू नो पैपी डांस नंबर, यू शुड गो एंड ग्रूव एंड इन्जॉय, तो इंशाल्लाह आप सबको मज़ा आएगा इसके लिए। थैंक यू। I know.